दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सोने चांदी के जादुई घरों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में पायल नाम की एक लड़की अपनी छोटी बहन प्रिया के साथ रहती थी। कुछ समय पहले उनके माता पिता का निधन हो गया था, जिस वजह से परिवार की सारी जिम्मेदारियाँ अब पायल पर थी। दीदी, अब हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा? अगर ऐसा ही रहा तो हम रोड पर आ जाएंगे दीदी। नहीं नहीं गुड़िया, तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं आज गांव में काम मांगने जा रही हूँ, शायद कहीं ना कहीं काम मिल जाए। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा। पायल छोटी सी उम्र में गांव में काम मांगने जाती है और उसे कुछ घरों में काम भी मिल जाता है। अब जैसे तैसे उनके घर का गुजारा चल रहा था। दीदी, टीचर ने स्कूल की फीस भरने के लिए कहा है, नहीं तो वो मुझे स्कूल से निकाल देंगी। ये देखो दीदी, स्कूल की रसीद। अरे ये तो बहुत ज्यादा फीस है, हम इतनी फीस कहाँ से भरेंगे बहन? चल कोई बात नहीं, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं मालकिन से आज ही बात करती हूँ, शायद वो मुझे कुछ पैसा एडवांस दे दे। उसके बाद पायल अपनी मालकिन के पास जाती है और उनसे कहती है, मालकिन मुझे आपके पास काम करते हुए काफी समय हो गया है, आपको मेरे ऊपर भरोसा भी हो गया है। मालकिन, क्या आप मुझे कुछ पैसे एडवांस दे सकती हैं? मुझे अपनी बहन की स्कूल की फीस भरनी है, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगी मालकिन। पायल की ये बात सुनकर उसकी मालकिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अच्छा, क्या तुझे मैं पागल नजर आती हूँ जो तुझे एडवांस दूंगी? अरे तुम लोग तो भरोसा करने लायक ही नहीं हो, यहाँ काम करना है तो चुपचाप कर वरना चली जाए यहाँ से, मुझे हजारों काम वाली मिल जाएंगी। खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देख, अगर रहना है तो काम पर लग जा। उसके बाद पायल काम करने लगती है। हे भगवान, अपनी बहन की स्कूल की फीस अब मैं कैसे भरूंगी? अगर फीस नहीं भरी तो उसकी टीचर उसको स्कूल से निकाल देंगी। काम करने के बाद पायल अपने मकान मालिक के पास जाती है। आ गई, ला दे मकान का किराया, मैं बस तेरे ही पास आने वाला था। मालिक, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जल्दी ही मैं आपका सारा पैसा दे दूंगी। क्या कहा, पैसे नहीं है? अरे तुझे मकान का किराया भरे हुए 2 महीने हो गए हैं, जल्दी से किराया भर, नहीं तो दोनों बहनों को धक्के मार कर घर से बाहर कर दूंगा। ऐसा मत करो मालिक, आप भी तो एक इंसान हो, मुझ पर थोड़ा रहम करो। हाँ ठीक है, 1 महीने का टाइम और देता हूँ, जल्दी से मकान का किराया चुका। मालिक, मुझे मेरी बहन की स्कूल की फीस भरनी है, अगर आप कुछ पैसे उधार दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। पायल की ये बात सुनकर उसका मकान मालिक गुस्सा हो जाता है। अरे तुझे मैं पागल लगता हूँ क्या? एक तो तू मेरे घर का किराया नहीं देती, ऊपर से मैं तुझे पैसे दे दूँ, चली जा यहाँ से चुपचाप, नहीं तो धक्के मार कर घर से भी बाहर कर दूंगा। रोते रोते पायल वहाँ से चली जाती है और वापस अपने घर आ जाती है। दीदी, आप पैसे लाई हो क्या? मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझे कहीं से भी पैसे नहीं मिले, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई भी मुझे पैसा उधार देने के लिए तैयार ही नहीं है। दीदी, कल टीचर मुझे स्कूल से बाहर कर देंगी, अब कुछ भी नहीं हो सकता दीदी। अगले दिन प्रिया फिर से स्कूल जाती है। प्रिया, तुम अपने स्कूल की फीस लाई हो क्या? टीचर, मेरी बहन ने कहा है कि हम अगले महीने सारी फीस भर देंगे। तुम्हारी बहन पिछले 2-3 महीने से एक ही बात बोल रही है, जब फीस भर देना तभी स्कूल आना, समझी? उससे पहले स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, चलो जाओ घर अपने। उसके बाद उसकी टीचर उसे स्कूल से निकाल देती हैं। दोनों बहनें अब काम करने लग जाती हैं। कुछ दिनों बाद उनका मकान मालिक आता है मकान का किराया लेने के लिए।
चलो तुम दोनों अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। लेकिन मालिक, हमने तो आपको कल ही किराया दिया था, आप हमें ऐसे निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि मुझे वो पार्टी मिली है अब, जो मुझे तुम दोनों से ज्यादा पैसे देगी, इसीलिए मैं अपना कमरा उन्हें दे रहा हूँ। चलो निकलो यहाँ से जल्दी। मकान मालिक धक्के मारकर उन दोनों बहनों को घर से बाहर कर देता है। दोनों बहनें रोते रोते वहाँ से चली जाती हैं। अब हम कहाँ जाएंगे दीदी, हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। दोनों बहनें पार्क में जाकर बैठ जाती हैं। तभी उन्हें एक आवाज आती है, बचाओ मुझे, बचाओ, मेरी रक्षा करो। दोनों बहनें भागी भागी उस आवाज का पीछा करती हैं। तभी उन्हें दिखाई देता है कि एक परी पेड़ से बंधी हुई थी। सुनो, मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। दोनों बहनें उस परी को खोल देती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। एक चुड़ैल ने मुझे बंदी बना लिया था, क्या तुम दोनों बहनें मेरी मदद कर सकती हो? बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? यहाँ से कुछ दूर एक पहाड़ी है, वहाँ पर दो सोने और चांदी के घर हैं। उसमें से एक घर में मेरी जादुई छड़ी रखी है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, वो छड़ी ले आओ, उसके बदले तुम जो कहोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ बेटी। नहीं नहीं, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन हम आपकी मदद जरूर करेंगे। दोनों बहनें पहाड़ी पर चली जाती हैं। वहाँ पर उनको सोने और चांदी का घर दिखाई देता है। दीदी वो देखो, वो रहे सोने और चांदी के घर। चलो दीदी, परी की जादुई छड़ी लेकर आते हैं। दोनों बहनें उस घर के सामने जाती हैं। ए लड़की, क्या करने आई हो यहाँ? तुम्हें आना ही है तो तुम मेरे अंदर आओ, मैं तुम दोनों को बहुत सारी धन दौलत दूंगा, माला माल कर दूंगा, इतना खजाना दूंगा कि तुम दोनों जिंदगी भर कुछ ना करो, उसके बाद भी तुम ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती हो। नहीं नहीं, आपका धन्यवाद, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें बस उस परी की मदद करनी है। आपको अगर हमारी मदद ही करनी है तो आप मुझे ये बताइए कि परी की जादुई छड़ी कौन से घर में है। अगर तुम्हें परी की छड़ी चाहिए तो तुम मेरे पास आओ, मेरे घर में सिर्फ परी की जादुई छड़ी ही है। दोनों बहनें चांदी वाले घर में चली जाती हैं और परी की जादुई छड़ी लाकर उसे दे देती हैं। वाह बेटा, मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रही थी। हर कोई धन के लालच में आ जाता है और वो सोने के घर के अंदर प्रवेश कर जाता है, लेकिन तुम दोनों बहनें बहुत ही ईमानदार और नेक दिल की लड़की हो। उसके बाद परी उन दोनों बहनों को सोने और चांदी के घर में लेकर जाती है और उन दोनों को खूब सारी धन दौलत देती है। बेटी, ये तुम दोनों की ईमानदारी का इनाम है, इसे स्वीकार करो। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। दोनों बहनें उस धन से एक बहुत अच्छा सा घर बना लेती हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। एक दिन उनका मकान मालिक उन दोनों बहनों को देख लेता है। हे भगवान, ये दोनों इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गयी, मुझे पता करना चाहिए। उसके बाद मालिक उन दोनों बहनों के पास जाता है। अरे बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुम दोनों को घर से धक्के मार कर निकाल दिया, आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है बेटा, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं अंकल जी, अगर आप हमें घर से नहीं निकालते तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अरे वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन ये बता कि तेरे पास इतनी सारी धन दौलत कहाँ से आई बेटा? हाँ हाँ जल्दी बता। भोली भाली दोनों बहनें अपने मकान मालिक को वो सारी बातें बता देती हैं। अरे ये दोनों कितनी पागल हैं, इन्हें सीधे सोने वाले घर में जाना चाहिए था, वहाँ पर खूब सारी धन दौलत है। मैं अब सीधा उस सोने वाले घर में जाऊँगा और देखना, सारी धन दौलत अपने साथ ले आऊँगा। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना, और हाँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। इतना कहकर
मालिक वहाँ से चला जाता है और सीधा सोने वाले घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। सोने वाले घर में मालिक को एक चुड़ैल मिलती है। चुड़ैल मालिक की खूब पिटाई करती है और हमेशा के लिए उसे अपनी गुफा में कैद कर लेती है।